मेरे पिताजी मिस्त्री थे। मेरा पुराना जीवन बहुत ही याद करने लायक है। मैं जब कभी भी मैं पुराने जीवन को याद करता हूँ वो नहीं पाता। सियासी होली के सफर में आज हम अपना मुकाम लेकर आए हैं कपासन की ओर, जहां हम विशेष मुलाकात करेंगे शैलेंद्र जी चौहान से, जो कि एसटी प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री हैं वर्तमान में और इंजीनियर सिविल इंजीनियर की पोस्ट से रिटायर्ड हैं। शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो बताएं कि 1960 में आपका जन्म हुआ और 2023 तक का जो ये सफर है कितना मुश्किल भरा रहा और कितनी चुनौतियाँ इस जीवन में आपने देखी, क्योंकि आप एक गरीब परिवार में आपकी पैदाइश हुई और शुरू से ही मेहनती थे आप, इंजीनियरिंग करी, पिताजी ने आपको इंजीनियरिंग कराई, उसके बाद आपने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज आप इंजीनियर फेडरेशन की भी संभाग के अध्यक्ष भी हैं, वो पहली बार नौकरी जाना और इंजीनियर फेडरेशन का संभाग अध्यक्ष बन जाने तक का सफर कैसा? सबसे पहले मैं मेरे राजनीतिक गुरु आज जो हमारे असम के राज्यपाल महामहिम आदरणीय श्री गुलाब जी कटारिया साहब को इस दौर पर मैं नमस्ते करना नहीं भूलूंगा। इसके पश्चात संगठन के महामंत्री श्री चंद्र सिंह जी को भी मैं नहीं भूलूंगा। और इसके अलावा हमारे एससी मोर्चा के प्रदेश मंत्री कैलाश जी मेघवाल साहब, महामंत्री श्री मुकेश जी गर्ग साहब को इस मौके पर नमस्ते करना नहीं भूलूंगा। और मेरे यहाँ के शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र जी सिमाली और इन सभी का मेरे को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला है, ऊर्जा मिली है। जहाँ जहाँ भी मैं विक पढ़ता हूँ तो ये मार्गदर्शन करते हैं और इसी मार्गदर्शन की वजह से आज मैं यहाँ इस हर कार्य जो मेरे को सौंपा जाता है मैं 100% खड़ा उतरने की सोचता हूँ। मेरा पुराना जीवन बहुत ही याद करने लायक है। मैं जब कभी भी मैं पुराने जीवन को याद करता हूँ वो नहीं पाता। साथियों, मैं गुगुंदा गांव जो महादेव जी की बावड़ी का पानी पी पीकर मेरा बाल्यकाल गुजरा। मेरे पिताजी मिस्त्री थे और 300 रुपए पर डे कमाते थे और उस अवस्थित में बिल्कुल अनपढ़ थे, 5वीं पास थे। मेरी माता बिल्कुल अनपढ़ थी। किसी तरह मैंने 8वीं पास वहाँ से की और फिर बाद में जब उदयपुर मेरा 8वीं पास है, मेरे 60% नंबर थे, बहुत अच्छे नंबर थे, तो उदयपुर में जाता है उसमें मैंने प्रवेश लिया। मेरे को साइंस मैथमेटिक्स मिल गई और मेरे को पिताजी पढ़ाई के पश्चात काम करने ले जाते थे। हमने ट्रकों में रेती भरी, वो काम मैं नहीं भूल सकता। उसी को देखते हुए मेरे पिताजी ने कहा, बेटा पढ़ाई नहीं की तो ये पढ़ाई के अलावा तेरे कोई मजदूरी करनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा यार मजदूरी करनी, पढ़ाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं आगे से आगे खूब जी लगा के एक टाइम रोटी खा कर, नींद नहीं आती थी, नींद नहीं आई इसलिए एक टाइम खाना खाता और पढ़ाई की। पढ़ाई करने के पश्चात मैं नंबरदार से बहुत अच्छे नंबर आए मेरे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 80% और उसकी वजह से मेरे को MBA इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा दाखिला हो गया था। सिविल इंजीनियरिंग मिल गई थी क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन में काम करता था और कंस्ट्रक्शन में मेरी अच्छी इच्छा थी कि सिविल इंजीनियरिंग मिले मेरे को। मेरे को सब ब्रांचें मिल रही थी, इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही थी, सब मिल रही थी, परंतु मैंने मेरे पिताजी का कार्य चुना और सिविल इंजीनियरिंग ली। फिर वहाँ पर भी मेरे को यहाँ गोगुंदा उदयपुर में तो चिमनी में पढ़ा ही था, पर वहाँ भी मेरा MBA इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरे को हॉस्टल नहीं मिला साल भर। तो साल भर में मैं रहा एक नाल होती है, नाल के नीचे मैं रहा और पढ़ाई की। 2 साल बाद मेरा इंजीनियरिंग की हॉस्टल मिल गया। हॉस्टल मिलने के पश्चात मैंने किसी तरह जैसे तैसे मैंने अच्छे परसेंटेज में 62% में मैंने डिग्री की। डिग्री करने के पश्चात मैं उदयपुर आया। उदयपुर आने के बाद मैंने प्राइवेट काम किए 2000 रुपये महीने में और इसके पश्चात मेरी भगवान की कृपा से, माता जी की मेहरबानी से मेरी नौकरी सिंचाई विभाग में लग गई थी। फिर मैंने वाटरवर्क्स में नौकरी की, फिर लास्ट मेरा PWD में जूनियर इंजीनियर के पद पे हो गया उदयपुरी। और उदयपुर में मैंने मन लगा के काम किया क्योंकि मेरा जब मेरे जो मातत थे मेरे घर पे आते थे हाथीपुर, तो देख के बड़े आश्चर्य करते थे कि शैलेंद्र जी इससे बढ़िया तो आपका ऑफिस है रहने के स्थान की जगह, क्योंकि मेरे भाई बहन सब थे तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता था। तो किसी तरह मैंने इंजीनियरिंग करी, जूनियर इंजीनियरिंग ज्वाइन की, असिस्टेंट इंजीनियर बना, एक्शन बना और खूब सारे काम मैंने
गरीबों को किए, क्योंकि मैं जब से मैं इंजीनियर बना, जब से मेरी नौकरी लगी, मेरा विगत दिन याद रहता था, तो मैंने मेरा मोहल्ला नहीं छोड़ा। तो मोहल्ला इसलिए नहीं छोड़ा कि लोग मेरे को देख के घर महसूस करे और मेरे से प्रेरणा ले, इसलिए मेरे घर नहीं छोड़ा, यहीं रह के मैंने लोगों को काम कराता था। और यहाँ के लोगों को मैं जो भी काम होता था सरकारी लेवल का, मैं मदद करता था। और इसके अलावा मेरी सामाजिक में काफ़ी रुचि थी कि किसी तरह लोग है जो यहाँ तक पहुँचे, और एक सामूहिक विवाह मैंने करवाए, 11 सामूहिक विवाह हाथीपुर कटिक समाज ने करवाए, ताकि लोगों को पैसा कम खर्च हो। इसके अलावा अम्बेडकर जयंती समारोह समिति, मैंने राज्य सरकार को लिख दिया था कि मेरे काम के अतिरिक्त जो समय में विश्राम का समय होगा, उस काम में बचा कर अम्बेडकर जयंती समारोह समिति का काम करूँगा, अखिल भारतीय कटिक समाज का काम करूँगा। तो वहाँ मैंने लेटर भेज दिया, सहमति मिल गई थी मेरे को। इसके पश्चात मैंने खूब कार्य किए, लोगों के संपत्ति, जो गरीब लोग थे उनकी संपत्ति भी नाजायज लोग बैठ जाते थे घोड़ी से नीचे उतारना। मैं बड़े प्रेम पूर्वक लोगों को समझाता था कि भाई हम भी पांच एक बाप के पांच बेटे होते हैं, तो एक कमज़ोर होता है तो उसकी मदद चारों मिलकर करनी चाहिए। तो हमारे समाज कमज़ोर है, आप हमारी मदद करो और सहायता करो। तो इस तरह से लोगों के दिमाग में पॉजिटिवनेस बैठाता था। और एट्रोसिटी एक्ट जब भी कोई होता तो मैं कोशिश करता कि दोनों पार्टी में समझाइश हो जाए। कभी मैंने एट्रोसिटी एक्ट को होने नहीं दिया, आपस में समझाइश कराने की कोशिश की। इसके अलावा मैंने जो PWD में कार्य किए वो आज भी मेरे बहुत अच्छे हैं, आज भी मेरे को याद करते हैं लोग। नरेगा में काम किए, लोगों को रोजगार दिलाया, अकाल रात में काम किए, लोगों को रोजगार दिलाया, और ऐसे ऐसे काम करे, रोजगार उत्पन्न किए, ताकि गरीब लोगों को उसे रोजी रोटी मिले और उस रोजी रोटी से उनका परिवार चल सके। तो मेरे को पता था कि किस तरह से गरीबी का अभाव होता है और अभाव में किस तरह लोग जीते हैं। इसी कारण मैं सुबह 6 बजे निकलता और रात 11 बजे तक घर पहुँचता, और लोगों को गरीबी की हालत से बचाने के लिए प्रेरित करता, स्टूडेंट को पढ़ने के लिए आग्रह करता। और इसके साथ साथ मेरे भाइयों को भी मैंने मदद की, सभी को, मेरे परिवार को आगे बढ़ाया, मेरे परिवार को अच्छा ज्ञान दिया। तो आज मेरे परिवार में 10-15 तो इंजीनियर हैं, दो पाँच छः प्रिंसिपल हैं, मेरा छोटा भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रिंसिपल है, मेरा भाई सभी आज मेरी वजह से नहीं, मेरे मातेश्वर की मेहरबानी से आज वो सभी शिक्षित हैं, इस मुकाम पे पहुंच गए। मेरे को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे परिवार ऐसा सक्षम हो गया। आज मैं नहीं करता तो मेरे परिवार वाले बहुत सक्षम है। और मैं इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी, मेरे गुरु जी ने, गुलाबजी भाई साहब ने मेरे को इस मेरे कार्य को देखते हुए, मेरे पुराने कार्य को, समाज से जुड़े हुए कार्य को, दलितों के जुड़े हुए कार्य को, गरीबों के जुड़े हुए कार्य को देखते हुए मेरे को पार्टी का प्रदेश मंत्री लेवल पे पद मेरे को दायित्व सौंपा, जो मैं आज पूरी जिम्मेदारी से निभा रहा हूँ। मेरे को वल्लभ नगर में SC मोर्चे का चुनाव थे, वल्लभ नगर चुनाव थे, तब मेरे को कार्य प्रभारी बनाया था SC मोर्चे का, उसमें मैंने बहुत अच्छा, बहुत बड़ी सभाएं करवाई SC समुदाय की, इससे मेरे को बहुत शाबाशी मिली। इसके पश्चात मेरे को जन आक्रोश यात्रा माउंट आबू पिंडवाड़ा का मेरे को प्रभारी बनाया। साथियों, मेरे ऐसे ऐसे कई वाक्य हुए, खाना खाते हुए छोड़ के मैंने मदद की, मेरे को आत्मशांति मिलती है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि दूसरों की सेवा करना। और नौकरी के अंदर भी मैंने ईमानदारी से नौकरी की, 2 बार मेरा जिला लेवल पे सम्मान हुआ, 2 बार मेरे को राज्यपाल लेवल पे संभाग लेवल से यहाँ से नाम भेजा गया, परंतु मैं ज़्यादा उदयपुर में यहाँ व्यस्त रहने से मैं ज़्यादा ऊपर अप्रोच नहीं कर पाया, तो मेरे को नहीं मिला। मेरे खुशी है, मेरा एक ही गाना था कि कर्म कीजिए, मैं गीता का उपदेश उसी के अनुसार काम करता हूँ मैं, कर्म कीजिए फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा इंसान। मैं कभी भी काम करने के बाद फल की इच्छा कभी नहीं करता। लोग आके कहते हैं कि मेरा वो काम कर दिया आपने, मेरा वो काम कर दिया, मैंने कहा भैया भगवान ने काम किया, मातेश्वरी ने काम किया, मैं तो एक भी आपने तो फल की इच्छा कभी नहीं रखी, पर शायद आपके परिवार में से कुछ जने हो जिन्होंने फल की इच्छा रखी और जिसकी वजह से आप पर भी कई बार लांछन लगे हैं कि आप के जो छोटे भाई हैं उनकी जो धर्म पत्नी थी वो कांग्रेस से पार्षद रही हुई है, और आपका और गिरजा जी का राखी डोरे का भाई बहन का आपका रिश्ता है, इन सारे विषयों को कैसे देखते हैं? यह एक पारिवारिक परिस्थिति है, और जो जिस वक्त जिसकी मदद करता है उसके प्रति थोड़ा बहुत झुकाव होता है। और मैं रिश्ता हमारे गिरजा जी व्यास, जो मेरे को छोटा भाई की तरह मानती थी, कार्य क्षेत्र में मैंने बहुत अच्छे काम किए, जो भी काम बताते तो मैं किसी तरह काम करता था, तो वो
मेरी कार्य क्षेत्र में कार्य करने की क्षेत्र की वजह क्षमता की वजह से सुबह 6 बजे से रात की 11 बजे तक कार्य करता था। इसी क्षमता की वजह से मेरे को विशेष भाव रखते थे और मेरे को शाबाशी देते थे। तो फिर एक दिन दीदी ने जीजी ने कहा कि भाई मेरी राखी बांध दे, तो मैं तब से मेरी राखी का डोरा है। ये पार्टी पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, घर के व्यवहार अलग चीज़ है। रहा दूसरा मेरा छोटा भाई जीतमल चौहान, उनकी उनके बारे में कहते हैं कि उनकी विचारधारा अलग थी, मेरे विचारधारा इमरजेंसी हुई थी तब लोगों के साथ जो हश्र हुआ था, छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर नसबंदी कराए थे, मेरे पिताजी को पकड़ लिया था। उस वक्त हम घर पे बैठे हुए थे और पिताजी को पकड़ने आ गए थे, पिताजी को मैंने बाहर छिपाया था। वो घटना आज मेरे को हृदय परिवर्तन करने में मेरा बहुत बड़ा रोल निभाता है। और ऐसी ऐसी घटनाएं जो मजदूरी करने जाते थे, लोगों को पकड़ पकड़ के ले जाते थे, लोग घरों में छुपे रहते थे, कोई गाड़ी सरकारी आ जाती तो भागते फिरते थे, यह दृश्य मैंने देखा हुआ है। तो एक दिमाग में दिल में एक छाप पड़ी हुई कि इस तरह से राष्ट्रवादी लोग ऐसा नहीं करते और इस तरह से बंद करते, तो वो मेरे दिमाग में अभी तक बड़ी हुई है। और आज भी मैं उस वाक्य को देख के भ्रम जाता हूँ। तो ये सब विचारों से, और मैं मेरे विचार आज भी मेरे विकास में PWD विकास कार्य किए तो राष्ट्रभक्ति मेरे में जुड़ी हुई है तब से आज तक। तो मेरा कोई भी चीज़ राष्ट्रभक्ति के हिसाब से, राष्ट्र विकास के हिसाब से मैं देखता हूँ कि मेरे पुल बनाए, मैंने पुलिया बनाई, पाँच पाँच करोड़, 6-6 करोड़ की गोमती नदी पुलिया बनाई मैंने, 2-5, 5-6 करोड़ की गोमती नदी है, सोम नदी पे है और जाखड़ रिवर पे इतनी इतनी पुलिया आज भी वहाँ मेरे को याद करते हैं। रात की 11-12 बजे तक मैंने जाके चेक किए हुए हैं। अब अगर बात की जाए आपके राजनीतिक जीवन की और कपासन से आप दावेदारी कर रहे हैं इस बार, 2 बार के विधायक आपकी पार्टी के वहाँ पर मौजूद है, जिनगढ़ साहब आपकी पार्टी से विधायक वहाँ मौजूद है, पर अगर गुजरात तर्ज पे चुनाव होते हैं तो पार्टी हमेशा कोई ना कोई विकल्प की तलाश में रहता है और पार्टी चाहेगा किसी नए चेहरे को मौका दिया जाए और उसे विजय गार्वे के रूप में तब्दील किया जाए। सबसे प्रमुखता से आपका नाम लिया जा रहा है बीजेपी के अंदर, पर कपासन से बहुत दूरी पर आप हैं और उसके बाद कपासन रेगुलर आना जाना भी नहीं है क्योंकि शहर की भाग दौड़ में और शहर की राजनीति में आप इतने मशगूल हैं कि शायद कपासन जाने का आपको समय नहीं मिलता। इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे? मैं सर्वप्रथम अच्छा क्वेश्चन किया आपने और मेरे दिल की बात बताई आपने, क्योंकि मैं इंजीनियर रहा हूँ। इंजीनियर सुबह तो जो इंजीनियर घर पे सुबह 7 बजे नहीं निकलता है वो इंजीनियर कहलाते ही है। तो मेरी पुरानी दिनचर्या रही, सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, 7 बजे बिल्कुल घर छोड़ देता हूँ। और मैं उस वक्त गवर्नमेंट शरण था तब भी मैंने 300-400 किलोमीटर रोजाना मैं सफ़र करता था विकास के कार्यों के लिए। तो ये तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, किलोमीटर दूर होना, दिल से दूर होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मेरे को वहाँ की जनता चाहेगी, अगर मेरा शीर्ष नेतृत्व मेरे को आशीर्वाद देगा तो मैं जरूर वहाँ वर्क करूँगा। और ये कोई 100 किलोमीटर कोई दूरी नहीं है, मेरा मकान वहीं बन जाएगा, मैं अकेला हूँ, केवल और केवल समाज के लिए हूँ, पार्टी के लिए हूँ। और दूसरा रही बात कपासन की बात, इसलिए मैं जोर देना चाह रहा हूँ, हमारे उदयपुर के संभाग के अंदर एक भी सीट SC की, केवल एक सीट SC की कपासन की है। और इसके अलावा मावली की पहले थी, वो भी हमारे नहीं हुई। तो इस उदयपुर क्षेत्र संभाग में आज हमारे SC समुदाय कोई धनी धोरी नहीं है, कोई ऐसा सर्वमान्य नेता नहीं है, ऐसा सर्वमान्य शक्ति वाला आदमी नहीं है जो हमारा SC ST को सुन सके, हमारी हित की बात सुन सके, हमारे लोगों की बात सुन, गरीब लोगों की बात सुन सके, छत्तीसगढ़ कौमों की बात सुन सके। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर ईश्वर मेरे को प्रसाद देता है, मातृश्री मेरे को प्रसाद देती है, मेरे को शीर्ष नेतृत्व मेरे को मौका देता है, तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। बाकी मेरे और मेरे परिवार के लिए केवल और केवल गुलाब का फूल ही हमारा है। जिस आदमी को गुलाब का फूल का प्रतीक चिन्ह मिलेगा हम उनके साथ हैं और सदैव उनके साथ रहेंगे, मेरे को कोई परवाह नहीं है। मैं केवल और केवल काम करने में विश्वास करता हूँ। और कपासन की जनता आज से नहीं, मैं 20-25 साल से सभी लोगों की कपासन से फोन आते हैं, चित्तौड़ से फोन आते हैं, हर संभाग से, राजसमंद से फोन आते हैं, मैं बैठे बैठे ही उनकी वेदना को सुनता हूँ और संबंधित अधिकारियों को निर्देश देता हूँ। तो मेरे ईश्वर की शक्ति है कि वो जो भी मैं हायर अथॉरिटी को मैं कहता हूँ तो वो कर देते हैं और काम करके फिर उस आदमी को वापस रिपोर्ट करता हूँ, तुम्हारा काम हो गया। तो ये आज मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। मैंने आवरी माता चित्तौड़ के अंदर 1 करोड़ की सराय बनाई जिसका संरक्षक मैं था,
और मेरे जितने भी आज वो रोड़ी लाल जी नहीं है, आज मेरे वो बदे सर के कार्यकर्ता, जितने भी हमारे खटिक समाज के लोग हैं, सर में 1 करोड़ रुपए। कपासन की जो मुख्य समस्या है क्या क्या है, सबसे पहले तो ये बताएं, क्योंकि कपासन के अंदर हमने जो समस्याएं पाई है, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, उसके अलावा उद्योगों की समस्या, चिकित्सकों की समस्या, उसके अलावा सांवरिया सेठ की नगरी होते हुए वहाँ पर सांवरिया सेठ के मंदिर का गेट ना होना भी एक लोगों के, वर्ग विशेष के लोगों के लिए सामाजिक ठेस पहुंचाने का कारण बनता है। मौजूदा विधायक आपके हैं, आप ये भी नहीं कह सकते कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार है और वो बीजेपी सरकार से है, क्योंकि इससे पहले भी वो विधायक थे, तब तो बीजेपी की सरकार ही थी। क्या मौजूदा विधायक इन सारी समस्याओं से अनजान है क्या? मैं उनके अनिल जी जेनगर साहब की प्रशंसा करता हूँ, काफी एनर्जेटिक व्यक्ति हैं। मैं 15 एनर्जेटिक कैसे का एनर्जी दिखी नहीं, पानी की समस्या यथावत है, नहीं कोशिश करते हैं, बिजली की समस्या यथावत है, उद्योग की समस्या यथावत है, चिकित्सकों की समस्या यथावत है। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि MLA हमारे भारतीय जनता पार्टी का है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उन्होंने काम नहीं किया हो। वो उन्होंने प्रयास किया होगा, तो प्रयास हो सकता है ईश्वरी कृपा है, उनको इतना फल नहीं मिला हो, तो प्रयास करने में कमी हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी नहीं करता है। एक मिनट आपकी बात में विघ्न डालूंगा, आप पेशे से इंजीनियर रहे हैं और आपने करीबन 3,000 किलोमीटर करीब आप रोड बना चुके हैं और हजारों पुलियाएं बना चुके हैं, प्रयास करते हैं तो रोड बनती है ना? बनती, पर खूब सारी ऐसी टेक्निकल चीजें हैं, वो तो क्या है, देखो अफसर पे डिपेंड करता है। मैं प्रशासनिक अधिकारी था, मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, तो मेरा ध्येय ही रहता है कि सड़क बननी चाहिए। एक वैसे अगर उनका ध्येय रहेगा काम होना चाहिए तो काम होता है। मैं प्रशासनिक तो मैं कर लेता, अब वो क्या है कि वो तो नेता है, वो MLA साहब है, वो खाली निर्देश देंगे। अब ये उनको पता नहीं कहाँ अटक रहा है, क्या नहीं कर रहा है, पर उन्होंने मेरे को आज भी विश्वास है कि अरविंद लाल जिनकर प्रयास में कोई कमी नहीं की होगी। हो सकता है कहीं कहीं प्रशासनिक अधिकारी उनको अच्छी तरह से ले नहीं पा रहे होंगे, प्रशासनिक अधिकारी को समझा नहीं पा रहे होंगे। बाकी हमारे पार्टी लेवल के MLA MP मन से काम करते हैं, सिपाही सालार होते हैं पार्टी के। मैं तो कह रहा हूँ कि रस्ते चलते कोई कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के आदमी हूँ, तो वो भी इतना सशक्त होगा, इतना अच्छा कार्यकर्ता होगा, तो पार्टी की लाइन से हटकर काम नहीं करता। किसी नेता की कोई ब्यूरोक्रेट अगर उनकी बात नहीं सुन रहा है, तो उस नेता को तो नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए। अब ये मैं इतना डिटेल में नहीं जानता, मैं पर्सनली जानता हूँ। हो सकता है तो अफसर की क्या कमी है, अफसर किस लेवल का आदमी है, अफसर की क्या सोच है। अगर अच्छी सोच वाला अफसर होता है तो किसी हालत में आगे जाके 150% कार्य करता, तो उसका सुने जाते। हो सकता है अफसर में कमी हो, तो ये इससे नकारा नहीं कर सकता मैं कि अफसर ही कमी नहीं हो सकती। अक्सर आड़ मास का पुतला है, होता कर नहीं कर रहा होगा तो नहीं कर रहा होगा, परंतु मैं ये अभी भी कह रहा हूँ आपको, जिनगर साहब अच्छे व्यक्ति है और काम करने में बहुत बढ़िया होती है, मैं ऐसे नकार नहीं सकता जी। अब इन सियासी बातों को समाप्त करते हैं और कुछ तंज भरे सवाल आपसे पूछेंगे, और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप बेबाकी से उनका जवाब देंगे। पार्टी अगर मौका देती है तो कपासन से चुनाव लड़ने को तैयार है और वापस भारतीय जनता पार्टी का परचम कपासन में लहराएंगे, इस बात की पुष्टि कर सकते हैं? अगर मेरे को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद से अगर मेरे को टिकट मिल जाता है, तो मैं पूरा आश्वस्त विश्वास दिलाता हूँ कि 2023 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा में अच्छे वोटों से हम प्रयास करेंगे, जीतेंगे, और 2024 के अंदर भी हम प्रयास करके जीतेंगे, और ये मेरी कामना है। परंतु यह सब डिपेंड करता है टिकट पे, नहीं मिलेगा तो भी हम कार्य करेंगे और एक सैनिक की तरह कार्य करेंगे, नहीं मिलेगा तो सच्चे मन से कार्य करेंगे, पार्टी के प्रति पूरी निष्ठावान रहेंगे, या किसी और नेता की तरह महत्वाकांक्षी होकर दूसरी पार्टी से चुनाव भी लड़ सकते हैं? ऐसा तो मेरी जिंदगी में मैंने पहले ही कहा, काम किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा काम करेगा फल ना। मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ, फल देना वरिष्ठ हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी में तो उस पड़ाव पर आप पहुंच चुके हैं कि आप इससे ज्यादा इंतजार शायद ना कर पाए। नहीं, मेरे को जो पार्टी ने जो सम्मान दिया है, जो सम्मानजनक पद दिया है, वो उसके लिए मैं आज भी पार्टी का ऋणी हूँ और ऋणी रहूंगा, और जब तक आज जन्म मैं पार्टी का सेवक बन के रहूंगा और सेवा करता रहूंगा,
और ये मेरे सभी जो मेरे से जुड़े हैं, मेरे जो संपर्क में आ रहे हैं, वो जान गए कि ये आदमी खरा सोना है, काम करने वाला आदमी है, जो काम कर किया है, दो जिम्मेदारी दी है, उन जिम्मेदारी की रिपोर्ट मेरी सेट जयपुर तक पहुंची है। और जो अभी लोग मेरे जिम्मेदारी से वो पिंडवाड़ा और माउंट आबू से लोग अभी तक मेरे घर पे आते हैं, और अभी भी वो संगठन से कर चुके हैं कि विधानसभा के प्रभारी इनको बना के भेजे, ये तो ईश्वर की हाथ की बात है। आज भी मैं कह रहा हूँ जो पार्टी मेरे को देगी, जो पार्टी मेरे को काम करने के दायित्व सौंपी, उसको 100% जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा। जी यही मेरा एक सवाल और आपसे जानना था कि कुछ लोगों का ये इल्जाम है आपके ऊपर कि रिटायरमेंट को जो पैसा मिला था उसको आपने सही जगह उपयोग करा, शायद हो सकता है कि ये प्रदेश मंत्री की पोस्ट भी उस रिटायरमेंट के कुछ हिस्से से आपने खरीदी हो, इस दावे में कितनी सच्चाई है? भाई साहब, मैं मेरे इष्ट देव की सौगंध, मैं मेरे 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 इससे क्या कहूँ, मेरे बच्चों की सौगंध, मैंने एक पैसा कहीं नहीं दिया, एक पैसा खर्च भी नहीं किया मैंने, और जो मेरे को जिम्मेदारी सौंपी है आज भी मैं गदगद हूँ। मेरी कार्य की वजह से जिम्मेदारी सौंपी है, मैंने आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि पैसा कहीं देना पड़ता है, और यही इसीलिए मैं राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, और इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ कि ऐसी पार्टी को सलाम। यह पार्टी कार्य को देखती है, कार्यकर्ता के कार्य को देखती है, न कि उसके पैसे को देखती है, पैसा को नहीं देखती, कार्यकर्ता के कर्म को देखती है, उसी के अनुसार उनको पद मिलता है, जो जितना काम करता है वो उतना आगे बढ़ता रहता है। जी अंतिम और आखिरी सवाल, क्या इस बार बीजेपी राजस्थान में अपनी गवर्नमेंट बना रही है या नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं करी उसके बाद क्या आम जनता का मिजाज बदलेगा, हाँ या ना? मैं इस बारे में क्या कहूँ, केवल बजट में घोषणा ही घोषणा है, केवल घोषणा है, और उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी भी रहे हैं, उनको पता है, इसीलिए बता रहा हूँ, घोषणा करते रहो, ये भी यही सड़कें बना दो, यही बना दो, यही बना दो, तहसील बना दो, जिले बना दो, ताकि उनको पता है कि हम आ ही नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी फुल सपोर्ट से आ रही है, तो आने वाले रोएगा, तो ये रोने के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं कि जीत गए तो ठीक है ना, हार गए तो रोने दो। ये मैं और बता दूं आपको, ये सब चाले भारतीय जनता पार्टी की अधिक वोटों से जीत, भारी मतों से जीतने और सरकार बनने के अग्रसर होने की वजह से ये सब घोषणाएं कर रहे हैं, और घोषणाएं आज तक धरातल में नहीं उतरी है। मैं कपासन में गया हूँ और जहाँ जहाँ पूछा है, मैं 15-20 बार चक्कर लगाया मैंने कपासन के, जहाँ जहाँ पूछा है कि मैं क्या भाई बजट घोषणा भी थाने कही हो कि भाई साहब कहीं कोई नहीं, खाली खोखला थाना वाजे गणा, आज चिकित्सा की वहाँ चिकित्सालय में अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट नहीं बैठे हुए, केवल गाँव के अंदर आप कपास की जनता 90% तो गाँव की और 10% है जो शहर में है, और 90% गांव वाले बताते हैं कि हमारे यहाँ डॉक्टर अच्छे डॉक्टर नहीं है, केवल MBBS ले जाके बैठा देते हैं, कंपाउंडर साहब के हिसाब से वो सब चिकित्सा भरोसे छोड़ रखा है, सड़कें गांव में ठीक नहीं है, वहाँ से एम्बुलेंस की व्यवस्था ठीक नहीं है, गर्भवती बच्चों गर्भवती बहनों को माताओं को मोटरसाइकिल बिठा के ला के वहाँ कपासन करवाते हैं, बुजुर्ग आते हैं मोटरसाइकिल पे, तो बहुत ही बड़ी दयनीय स्थिति है। मैं जाके देखा तो यार न तो सड़कें ठीक है, न एम्बुलेंसें ठीक है, और तो इसके लिए दोषी किसको मानते हैं, मौजूदा विधायक को दोषी मानते हैं, मौजूदा सरकार को दोषी, मौजूदा सरकार को दोषी, विधायक क्या करेगा, विधायक है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क प्रधानमंत्री की जो योजना आ रही है वो राजस्थान सरकार है जो अपनी बता के बेच रही है, तो ये तो MLA कुछ नहीं कर सकता है, डबल इंजन की सरकार नहीं बनेगी तब तक MLA का दायित्व बनेगा, बाकी अभी आप MLA साहब को दोषी कराने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनको जानते हैं कि तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक कपासन का है, तो वो क्यों देगा, उस क्षेत्र में तो अभाव होगा तभी तो जनता त्रस्त होगी। अब बेचारा जाके वहाँ मुख्यमंत्री से मिलता है, जाके वहाँ PWD मिनिस्टर मिलते हैं, जाके वहाँ हर मिनिस्टर मिलते हैं, गुहार लगाते हैं हमारा, तो वो तो रिजेक्ट पे फाइल उधर डाल देते हैं, जो चीज़ें उनकी लगती है कि हाँ मेरे हमारे पक्ष में जाएगी उनको वो तवज्जो देते हैं। आज मैं बताऊँ कपासन के अंदर पीने की बहुत बड़ी समस्या है, आज कपासन पीने की बहुत बड़ी समस्या है, अगर राजस्थान सरकार चाहे तो राजसमंद में गिलून है और वो एक फीडर है, उसमें 5 करोड़ की स्वीकृति हो चुकी है, केवल NOC के लिए वो फीडर अटका हुआ है, अगर वो 5 करोड़ की NOC राजसमंद सरकार दे दे NOC तो वो फीडर बन जाएगी, कहाँ से मात्र पुंडिया बनास रिवर से पानी आएगा सीधा राजडाजे से तालाब में, और उसको पानी आ गया तो 120 गांव पूरे उस कपासन क्षेत्र के पानी पियेंगे, कृषि प्रधान देश है, खेती करेंगे,
परंतु चाहते ही नहीं है, अटकाए रखना चाहते हैं। जब भी देखते हैं कि ये मेन मुद्दा है तो वो अभी दिया ही नहीं, स्वीकृत जरूर कर देते हैं पर वो वहाँ अटका रखा है। ये सब कुछ चाले हैं। आज बिजली किसानों को नहीं मिल रही है, गांव गांव में बिजली नहीं मिल रही है, समय पे बिजली नहीं मिल रही है, कटौती बिजली नहीं मिल रही है। आप कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान लोग खेती करे तो कैसे करे, पानी के लिए त्राहि त्राहि मचा हुआ है। आज आपके वहाँ रोजगार जो युवा पढ़ रहे हैं, जो रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, कपास से कहीं राजसमंद जा रहे हैं, कहीं चित्तौड़ जा रहे हैं, कहीं आसपास उदयपुर आ रहे हैं, परंतु वहाँ का उद्योग उन्होंने डेवलप ही नहीं किए, क्योंकि जिंक उद्योग लगना था, परंतु राजस्थान सरकार ने लगने नहीं दिया, फाइल वहाँ पड़ी हुई है। तो विधायक करे तो करे क्या, जिंक उद्योग लगेगा तो रोजगार मिलेगा लोगों को, नहीं दिया वो जी बेरोजगार काफी पलायन कर रहे हैं। इसके अलावा आपका सड़कें नहीं बनी है, सड़कों में बजट में घोषणा कर दी, और आपके ये जो आपके महाविद्यालय, आज कपास में 4 पंचायत समितियां, उसमें राशि महाविद्यालय नहीं है, आपके भजे भोपाल सागर महाविद्यालय नहीं है। लोग बारहवीं के पास कहाँ जाए, बारहवीं पास करने के बाद कहाँ जाए, बच्ची है जो छोटी छोटी 11वीं पास 12वीं पास करने के बाद बच्चे अधिकतर बच्चे तो गांव वाले बाहर भेजते ही नहीं है, तो इस चक्कर में वो 12वीं पास ही रह जाती है। तो मैं सरकार से गुहार करूंगा कि ये महाविद्यालय 2 आराम से खोल सकते थे, तो आपने क्यों नहीं खोले। ये सब ऐसी ज्वलंत समस्या है। मैं ये नहीं कहना चाहता, अर्जुन लाल जी ने जिनगर साहब ने प्रयास किए, उन्होंने भरसक प्रयास किए, पर इनकी तरफ थोड़ा और विचार ध्यान देवे, और 2023 में हमारी सरकार आई, ये जो मैं बोल रहा हूँ उनका हम प्रयास करके 2 साल के अंदर ही हम ये करवा देंगे। ये है सत्य।